महेंद्र सिंह धोनी अभी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले कल, क्या मानते हैं कि महेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो रहे हैं? और जेएमएम के कितने नेता आप देखे, उनको एक अच्छे खिलाड़ी, झारखंड के ही नहीं देश के गौरव और एक प्रतिभा को झारखंड से उकेर करके दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। तो खिलाड़ी को किसी से भी मिलने का कोई अर्थ नहीं लगाना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को कि सभी स्टेट क्रिकेट करेंगे आप? देखिए, हमें वहां के जनता पर, जिन लोगों ने मतदान किया उस पर भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र शक्ति को जगाने के लिए लगातार देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर चल रही है। तो हम सबको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है, देखिए एग्जिट पोल तो एक संभावना अपने तरीके से देख करके लोग जताते हैं। एग्जिट पोल कभी सही आता है, कभी नहीं आता है, तो इसके बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, बल्कि विश्वास और भरोसा जनता पर करना चाहिए कि जनता ने जो मतदान दिया है वो हमारे पक्ष में। तो ये क्या इस तरह से लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा सकता है? देखिए, राज्य का चुनाव और देश का चुनाव में थोड़ा सा अंतर रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विकास के दृष्टि से कार्य करती है, तो राज्यों में भी चाहती है कि अच्छा शासन हो, अच्छा नेतृत्व हो और अच्छे लोगों के साथ राज्य का विकास हो, क्योंकि ये जो हमारा फेडरल और कोऑपरेटिव सिस्टम है वो बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को हम सही तरीके से यदि हम अपने राज्य के अधीन कार्य करने वाले शक्ति को सही ढंग से जनता के साथ यानी प्रतिबिंब करेंगे कि हाँ, कि किसी देश के किसी गांव किसी हिस्से में रहने वाला, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाला, उसके विकास से ही देश का विकास संभव है, तो भारत सरकार अभी उसी संकल्पना को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। और अभी हम जिस यात्रा में चल रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि देश को समूह में संपूर्णता में देखना, राज्य के दृष्टि से, व्यवस्था के दृष्टि से, प्रबंधन के दृष्टि से, गवर्नेंस के दृष्टि से इकाई हो सकती है लेकिन देश तो एक है। तो पंचायत का भी वैसा ही, जिलों का भी वैसा ही और राज्य का भी वैसा ही दायित्व है जैसे संपूर्ण देश के लिए हम सबका दायित्व है। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ ईडी सीबीआई पर हमला हुआ है, आपकी सरकार पर हमला हुआ है, इनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के ले जाओ, इनके नेता मंत्री। देखिए, करने का कोई मतलब नहीं है, इन विषयों को कानून के द्वारा ही देखा जाना चाहिए और जो कानून है वो अपना काम करता है। जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह की बातें आ रही है उसको उसी दायरे में रख लीजिए तो बेहतर होगा। अब कुछ लोग इस तरह के बयानों को दे करके यदि वो संस्था के ऊपर में इस तरह का राजनीतिकरण करने का कोशिश करते हैं तो ये उचित नहीं। लेकिन पाउडर और ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पर राजनीति हो रही है, अभी जो मुख्यमंत्री का एक बयान आया है महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के लेकर। नहीं, बयान ये आया है कि ब्यूटी, देखिए व्यक्तिगत बयान पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ, जितने राष्ट्र के ऐसे विषय, चाहे वो जिला, गांव, पंचायत, राज्य से जुड़ा हो, वैसे विषय पर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कहता है तो वैसे जैसे कि ट्रेनों को चमकाया जा रहा है, जैसे कहा गया कि बुलेट ट्रेन को या जो भी ट्रेन आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पुराने जो ये है चीजें हैं उसको जिस तरह से महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर के लिपस्टिक और रंगाई लगाती, रंगाई पुताई करती है, उसी तरह से मोदी जी भी रंगाई पुताई करके जो है ट्रेनों को, पुराने ट्रेनों को चमका रहे हैं। वो आलोचना किसका कर रहे हैं, महिलाओं का कर रहे हैं या ट्रेन का? ट्रेन का उदाहरण जिस तरीके से दे रहे हो तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।
क्या कहें, साज सज्जा कोई खराब चीज है क्या? कोई महिला यदि साज सज्जा करती है तो गलत है क्या? और उसी तरीके से कोई करता है तो वो गलत है क्या? ये तो पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है ना, कि जो जिस तरीके से स्वच्छ परीक्षण, स्वच्छता हर क्षेत्र में होना चाहिए। बुलेट ट्रेन इसके पहले कहाँ चली थी? आज वो सारी चीजें पटरी पर दिखाई दे रही है, तो लोग स्वच्छता के साथ कैसे व्यवस्थित ढंग से कैसे चीजों को विकास के गाड़ी को तेज गति दे, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि स्वच्छता पर अब ये सवाल खड़ा करेंगे, तो इसका क्या मतलब? स्वच्छ रहने से मानसिक स्वच्छता होना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होना चाहिए, परिसर स्वच्छता होनी चाहिए, क्षेत्रीय स्वच्छता होनी चाहिए, तभी तो देश स्वच्छ होगा। पर अभी जो जीएमएम क्या अंतर मानते हैं, क्योंकि आप भी कभी हिस्सा रहे हैं जीएमएम? देखिए, राज्य बनने के पहले और राज्य बनने के बाद की परिस्थितियों का बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो उस दृष्टि से इसका आकलन सबको करना चाहिए। मैं इसमें किसी तरह का इस बयान के माध्यम से इसको ये नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मानता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबका दायित्व बढ़ा है, और दायित्व के दृष्टि से मौलिक बातों को किसी भी संगठन का जो मौलिक बातें हैं और वैचारिक बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के जनता को हम बेहतर तरीके से न्याय देने में सफल हो रहे हैं, जिसके लिए जनता ने हमें अधिकार दिया है। अच्छा, जनता के अधिकार का दुरुपयोग ना हो इसकी चिंता हर ऐसे लोगों को करना चाहिए जो उस दायित्व है। लेकिन संथाल में पकड़ और प्रधान में पकड़ मैं देखे, किसी एक चुनाव के परिणाम से यदि आप उसका आकलन करते हैं तो गलत है। उसके पहले के आकलन को देखे, उसके बाद में भी आगे देखे। जीएमएम के कितने नेता संपर्क में लोकसभा से पहले? समय के साथ सब अच्छा होता है, इसके लिए सबको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए कि अच्छा हो। मंत्री एक सवाल और है, मंत्री जी एक सवाल आज मजदूर भी आ रहे हैं जो टनल में फंसे हैं। टनल वाले हादसे पे लालू जी लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, बाहर के लोगों ने आके ये सारी चीजें की हैं और मोदी जी सिर्फ अपना श्रेय ले रहे हैं। लालू जी लगातार बयानबाजी कर, कौन क्या बयान दे रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि 41 लोगों के जीवन को बचाने में भारत के समस्त लोगों का शुभकामना और प्रयास काम आया आप सर कि वो सकुशल अपने घर लौट करके आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? आप और जिस तरीके से बोल रहे हैं सर, उसको क्या लालू जी मोदी जी का क्या? देखिए, रेस्क्यू हुए ना, लोग निकले ना, लोग आए सकुशल ना। अब किसका क्या रहा ये तो उन्हें से पूछिए जो लोग बाहर निकल के आए। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods. Hotel Harsh Regency में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए perfect banquet hall. Hotel Harsh Regency, Swarnarekha Pool, Hatia, Ranchi. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।